तो जी बिग बॉस का सहारा भले ही मुनव्वर फारूकी के सिर पर बंधा हो, लेकिन किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया है, क्योंकि बिग बॉस में अंकिता लोखंडे और आयशा खान के आने का असली मकसद पूरा हो गया है। मुनव्वर को बिग बॉस जीतकर सिर्फ ट्रॉफी और 50,000 रुपए ही मिले हैं, लेकिन असली बाजी अंकिता लोखंडे और आयशा खान के हाथों लग गई है। दोनों को बॉलीवुड से बहुत बड़े ऑफर मिले हैं। बॉलीवुड का सबसे बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने आयशा और अंकिता को सरप्राइज करते हुए बॉलीवुड में उनका रास्ता खोल दिया है। मुकेश छाबरा बॉलीवुड की लगभग सभी बड़ी फिल्मों की कास्टिंग करते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार की फिल्म के लिए वही एक्टर को सिलेक्ट करते हैं। मुकेश छाबरा ने एक ट्वीट कर अंकिता और आयशा के हाथों में हीरो का हार थमा दिया है। मुकेश छाबरा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अंकिता लोखंडे और आयशा खान को फिल्म में कास्ट करने का इंतजार नहीं कर सकता हूं मैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक कहावत मशहूर है कि बिग बॉस जीतने वाला अक्सर गुमनाम हो जाता है, किस्मत उसकी चमकती है जो बिग बॉस हार जाता है। बिग बॉस को अब तक 17 मिल चुके हैं, जिनमें से अगर 3 या 4 को छोड़ दे तो बाकी के सभी आज भी अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसी किस्मत आयशा और अंकिता की चमकी है। अंकिता इसलिए बिग बॉस में आई थी ताकि उन्हें फिल्मों में काम मिल सके। मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड आयशा का भी यही मोटिव था, इंडस्ट्री में वो अपनी जगह बना ले, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर उनके हाथों में किस्मत की सुनहरी चाबी थमा देगा। कुल मिलाकर अंकिता और आयशा की किस्मत का दरवाजा खुल गया है। उम्मीद है कि मुकेश छाबरा जल्द ही दोनों को अपनी फिल्म में रोल के लिए कास्ट करेंगे। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिए। और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।